आज हमने मतलब क्या देखना है, तीनों फोर को हम लोग थोड़ा सा कंपेयर करेंगे। जब हम लोगों ने सबसे पहला ग्रुप पढ़ा है पॉलीफेरा, तो पॉलीफेरा पानी में पाया जा रहा है एक्वेटिक। अगला ग्रुप जो आया वो भी एक्वेटिक, उसके बाद तीनों फोर वो भी एक्वेटिक लेकिन एक्सक्लूसिवली मैरी। ठीक, पॉलीफेरा बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा था, सेलुलर, जबकि दूसरा वाला सीलेंट्रेटा और टीनोफोरा दोनों का टिश्यू लेवल। ठीक, तीसरी चीज हमने देखा सिमेट्री, सिमेट्री में एसिमेट्रिकल है मोस्टली, वेयर सीलेंट्रेटा रेडियल और टीनोफोरा रेडियल एंड बाइलेटरल। सीलोम की बात किया जाए तो तीनों में सीलोम नहीं पाया जा रहा। सेगमेंटेशन इज ऑल्सो एब्सेंट तीनों में, डाइजेस्टिव सिस्टम पहले वाले में एब्सेंट है और बाकी दोनों में इनकम्प्लीट और ब्लाइंड सेक्ट है, यानी कि खाली माउथ है, एनएस इज एब्सेंट। सर्कुलेटरी सिस्टम तीनों में एब्सेंट, रेस्पिरेटरी सिस्टम तीनों में एब्सेंट। और डिस्टिंक्टिव फीचर भी हमने देखा है, पॉलीफेरा में जो है पोलोफाइट सेल्स उनके डिस्टिंक्टिव फीचर है, वाटर कैनाल सिस्टम उसका एक स्पेशल फीचर जो कि उसकी लाइफ लाइन, वाटर कैनाल सिस्टम का फंक्शन याद रखिए, वो रिप्रोडक्शन में भी हेल्प करता है, फूड कैप्चरिंग में भी हेल्प करता है और रेस्पिरेशन में भी हेल्प करता है। ओके, डिसाइड दिस। तो अगला ग्रुप था सीलेंट्रेटा, सीलेंट्रेटा जो है उसके अंदर नीडोब्लास्ट सेल, जो हमने देखा था हंटर वाले स्टिंग सेल, नीडोब्लास्ट सेल इस ग्रुप की एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। और दूसरी चीज़ ये कि ये जो है मेटास्टेसिस यानी पॉलिप और मेड्यूसा फेज के बीच में इंटरचेंज शो करता है, शो करता है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बिटवीन पॉलिप एंड मेड्यूसा फेज। लेकिन ये सब में कॉमन नहीं है, कुछ ग्रुप इसके ऐसे हैं जो खाली पॉलिप ग्रुप में होंगे, कुछ ऐसे हैं जो खाली मेड्यूसा होंगे, और लेकिन कुछ में पॉलिप एंड मेड्यूसा दोनों पाए। अच्छा, एक और ग्रुप है जो इससे बिल्कुल मिलता जुलता है, वो है टीनोफोरा। टीनोफोरा को पहले इसी में रखा जाता था सीलेंट्रेटा। टीनोफोरा बहुत छोटा फाइलम है, इसको मिनी फाइलम कहा जाता है, इट कंटेन लेस देन 100 स्पीशीज, 100 स्पीशीज से कम है, और वो भी बिल्कुल इन्हीं के जैसा, तो पहले इसी में रखा जाता था, बट बिकॉज ऑफ बायोल्यूमिनेसेंस जो चमक होती है उसके अंदर, उसकी वजह से, और दूसरा एक्सक्लूसिवली मैरी पूरी तरह से मैरी था, तीसरा लासो सेल जिसको क्लोरोब्लास्ट कहा जाता है, इन तीन वजह से उसको उठा करके एक नए ग्रुप में रख दिया और फाइलम बना दिया गया तीनों। तो यहाँ तक हमने तीन फाइलम देखा, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स देखा और इनका क्लासिफिकेशन भी देखा, जो आगे मैं देखा था पॉलीफेरा, मैं दोबारा इसको नहीं करा रहा हूँ। पॉलीफेरा देखा, बॉडी वॉल वाटर कैनाल सिस्टम और क्लासिफिकेशन, इसके बाद सीलेंट्रेटा हमने देखा, सीलेंट्रेटा और नीड एरिया, इनमें बहुत सारी कॉमन चीज़ें आपको मिली होंगी सीलेंट्रेटा में और नीड एरिया। और ओवरऑल मिला के अगर देखा जाए तो अभी तक के तीनों जो तीनों फाइलम है इसका लोगों ने क्लासिफिकेशन कर लिया ना। हाँ, तो ये जो तीनों फाइलम हम लोगों ने अभी तक देखा, इन तीनों फाइलम का जो कॉमन फीचर, वो कॉमन फीचर क्या है, तीनों एक्वेटिक, तीनों डिप्लोब्लास्टिक। तो एक तरह से देखा जाए तो तीनों अभी तक लगभग लगभग एक समान, तो थोड़ा थोड़ा डिफरेंसेस है। लेकिन अब जो फाइलम आ रहा है नेक्स्ट फाइलम, दैट इज प्लैटी हेलमिंथ्स, जो अगला फाइलम आ रहा है, ये इसमें नेचुरल की बात है, अब पिछले से और एडवांस होगा। तो सबसे बड़ा एडवांसमेंट इसके अंदर क्या है, तो बहुत सारी चीज़ डोंट वरी सब मिलेगा एक तरह। लेकिन देखिए, पहला ग्रुप पॉलीफेरा पानी में था, दूसरा ग्रुप हाँ वो भी पानी में था, डिप्लोब्लास्टिक में भी आते हैं, पहले हैबिटेट देखते हैं, मिला देंगे, पहला दूसरा तीसरा ग्रुप तीनों एक्वेटिक था, लेकिन जब ये ग्रुप आ रहा है प्लैटी हेलमिंथ्स, अब ये पानी से बाहर आई, हम लोग सुनते हैं ना कि लाइफ ओरिएंटेड इन वाटर, तो वो कहानी थोड़ा सा समझने लग रही है, और सही भी है। तो अब ये पहला ऐसा ग्रुप है जो पानी से बाहर आए, यानी कि ये पानी से बाहर तो आ गए बट स्टिल वो पूरी तरह से जो है फ्री नहीं हो पाए हैं। अगर पानी से बाहर आएंगे तो वो एंडोपैरासाइटिक होंगे, मोस्टली एंडोपैरासाइट, यानी वो पैरासाइट होंगे किसी न किसी दूसरे जीव के बॉडी के ऊपर या अंदर, मोस्टली अंदर एंडोपैरासाइट वो पास कर रहे होंगे, रह रहे हैं। और अगर वो फ्री लिविंग होंगे तो पानी के अंदर होंगे, यानी कि ये ग्रुप जो है अब उससे पहले वाले से थोड़ा सा आइडिया। दूसरी चीज़, बाकी जो तीनों ग्रुप थे वो डिप्लोब्लास्टिक थे, अब ये पहला ग्रुप आएगा जो ट्रिप्लोब्लास्टिक होगा,
इट विल बी ट्रिप्लोब्लास्टिक, इसके अंदर मेसोडर्मल सेल्स भी पाए जाएंगे, मेसोडर्म पाए जाएंगे, ठीक। इसको तो हम लोग फ्लैट वॉर्म कहते हैं ना कॉमनली, क्योंकि बॉडी डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेड, ठीक। तीसरा डिस्टिंक्टिव फीचर जो एडवांसमेंट आएगा, अपडेट, इसको अपडेट कहते हैं। तीसरा अपडेट, अभी तक हमने पिछले ग्रुप देखे, किसी में भी हमने एक्सक्रीशन के नाम पे कोई स्पेशल सेल या ऑर्गन देखा नहीं, मगर इस ग्रुप में एक्सक्रीशन कराने के लिए एक स्पेशल सेल मौजूद होगा, विच इज नोन एज फ्लेम सेल और फ्लेमोसाइट, ओके। ये इस ग्रुप की एक और इम्पॉर्टेंट खासियत जो इसको बाकियों से अलग कर देगी। इसके अलावा इस ग्रुप में लोकोमोटरी ऑर्गन भी पाए जाएंगे। लोकोमोटरी ऑर्गन इज एब्सेंट, याद करिए जब हम लोगों ने स्पॉन्जेस पढ़ा वहाँ भी लोकोमोशन नहीं था, वो चिपके हुए थे। सिलेंट्रेट्स पढ़ा वहाँ भी वो लगभग चिपके ही थे, हालांकि उनका मेड्यूसा फॉर्म जो है वो फ्री स्विमिंग था। और जब हमने टीरोफोरा देखा वो पूरी तरह फ्री स्विमिंग थे, पानी में तैर रहे थे। और ये जब ग्रुप आएगा तो इसमें जो है प्लैटीहेलमिंथ्स में अगेन लोकोमोटरी ऑर्गन विल बी एब्सेंट, लेकिन चूंकि ये एंडोपैरासाइट है, ज़्यादातर एंडोपैरासाइट होते हैं, अगर ये फ्री या तो ये फ्री लिविंग होते और या तो एंडोपैरासाइट, बहुत थोड़े से फ्री लिविंग है, और जो भी फ्री लिविंग होगा वो पानी के अंदर पाएगा, और जो भी पानी के बाहर होगा वो पैरासाइट होगा। और पैरासाइट, पैरासाइट किसे कहते हैं, जो दूसरे से अपना लिविंग से अपना न्यूट्रिशन डिराइव करता है किसी लिविंग से, तो ये ज़्यादातर पैरासाइट होंगे। और पैरासाइट में भी ये ज़्यादातर एंडो पैरासाइट है, यानी बॉडी के अंदर जैसे हम लोग पेट में वो कीड़ी रहती है उस तरह से, तो ये एंडो पैरासाइट होंगे ज़्यादातर। एक ये एडवांसमेंट आएगा, ठीक। एक और एडवांसमेंट, अभी तक हमको तीनों ग्रुप में कहीं मसल नाम की कोई चीज़ दिखाई मसल, मगर इस ग्रुप में मसल आ जाएगा बॉडी वॉल के नीचे, लॉन्गिट्यूडनल मसल, सर्कुलर मसल एंड ऑब्लिक मसल्स पाए जाएंगे। यानी अब जो एडवांसमेंट आ रहा है वो अब अच्छा होने जा रहा है। अभी तक के जो ग्रुप थे उनके अंदर मसल नाम की कोई चीज़ नहीं थी, हालांकि हाइड्रा के अंदर एपिथीलियो मस्कुलर सेल्स थे, एक स्पेशल सेल जो मसल की तरह बिहेव करते हैं, दे आर नॉट मसल्स। एपिथीलियो मस्कुलर, एंडोथीलियो मस्कुलर सेल वो हाइड्रा में पाया जाता है, बट दे आर नॉट मसल। लेकिन अब इस ग्रुप में जब हम देखेंगे इसकी बॉडी वॉल को देखेंगे, तो बॉडी वॉल में ऊपर एपिडर्मिस होगी और एपिडर्मिस के नीचे सर्कुलर मसल, लॉन्गिट्यूडनल मसल एंड ऑब्लिक मसल। कैसे होगा वो तो अभी डिस्कस किया जाएगा, लेकिन ये एक एडवांस फीचर होगा कि अब इनके पास मसल आ गया, तो ये इस मामले में भी पिछले ग्रुप से बेहतर है। और क्या इनके अंदर एक्स्ट्रा, हाँ, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का ऑर्गेन लेवल क्या है, ऑर्गेन लेवल एज वेल एज ऑर्गेन सिस्टम लेवल, ठीक है। कुछ में ऑर्गेन सिस्टम लेवल भी पाया जाता है, बट इट इज़ वेरी अनकॉमन, तो इसमें ज़्यादातर ऑर्गेन लेवल पाया जाएगा। इस मुकाबले में भी पिछले ग्रुप से बेहतर। एक और बड़ा डिस्टिंक्टिव फीचर इसमें आया, वो आप लोग पहचानिए, मैं आपको एक तीन डायग्राम दिखा रहा हूँ, एक डायग्राम दिखी नहीं रहा, छोड़िए ठीक है, बनाऊँगा अभी इसको। लेकिन अब आप यहाँ देखिए प्लानेरिया का, देखिए प्लानेरिया में चीज़ें फ्री लिविंग, और फ्री लिविंग है तो एक्वेटिक होगा, ठीक है, इधर उसको बोला है लुबेसिया। सेकेंड वन इज फैस्युला, फैस्युला हेपेटिक का, विच इज ऑल्सो नोन एज शीप लिवर फ्लू, और ये जो है पैरासाइटिक है, और इसके बहुत ढेर सारे लार्वा भी होते हैं, डेवलपमेंट इस ग्रुप का इंडा है। तो अब एक बात बताइए, इसमें इसमें या एक और है, क्या इसमें सेगमेंटेशन पाई जाती है? आप ऊपर से जब आप ध्यान दीजिए, अगर मैं टीनिया सोलियम को देख रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल टीनिया सोलियम इज नोन एज टीनिया सोलियम, ओके, दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल जो है देखने का मीडिया तो हल्का इस लिमिट क्या है। तो मान लीजिए मैं टीनिया सोलियम का एग्जांपल देता हूँ, टीनिया सोलियम इज ए पैरासाइट, एंडो पैरासाइट, ठीक है, इसको पॉर्क प्लेटफॉर्म भी कहा जाता है। तो अगर इसको देखा जाए तो इसका कुछ इस तरह से लंबे रिबन लाइन के रिबन, और बॉडी ऊपर से देखिएगा तो आपको जो है बहुत ढेर सारे इसके खंड दिखाई देंगे, तकरीबन 1200 खंड दिखाई देंगे सेगमेंट्स, और इन सेगमेंट्स को प्रोग्लॉटिस कहा जाता है। अभी आगे तो डिस्कस भी करेंगे, दिस सेगमेंट्स आर नोन एज प्रोग्लॉटिस, ओके, प्रोग्लॉटिस कहेंगे। तो ये क्या है, इसका मतलब क्या है, वो सब भी आगे देखा जाएगा। मगर आप इसका डायग्राम देखिए, इसका डायग्राम देखिए, इसका देखिए, और इन तीनों का डायग्राम देख करके जरा पिछले ग्रुप में जैसे हाइड्रास कंपेयर कीजिए, या उसके पहले कौन सा था स्पंज था उससे कंपेयर कीजिए,
या वो क्या था फिनोफोरा का जो एक आपको था उससे कंपेयर किए यूरोब्राचिया से क्या डिफरेंस दिखाई दिया? टू कहाँ है दिखाओ। देखिए इसमें आपको सब जैसी कोई चीज लग रही है, सब जैसी सब नहीं। इसमें या इसमें अगर आप पीनिया सोडियम में देखिएगा यहाँ पे ये जो पिन की तरह स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है अगर इसको बड़ा करके बनाया जाए तो आपको कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर नजर आएगा। अगर मैं इसका ये जो लग रहा है हिस्सा है इस पोर्शन को अगर बड़ा करूँ तो ये इस तरह से नजर आएगा लाइक दिस। ओके, और यहाँ पर इसके जो हेड जैसी चीज है उसको स्पॉलेक्स कहा जाता है क्योंकि वो है स्पॉलेक्स। और यहाँ और एक पीछे की चार चार तो इनको तो सकस कहा जाता है लीना कोनस सकस या फाइव सकस। और ये जो यहाँ पे ये हुक कहे जाते हैं लीना हुक्स। ओके, और ये जो है दिस इज नोन एज रॉस्टेलम रॉस्टेलम। और ये जो स्ट्रक्चर है जो सब वाला स्ट्रक्चर है जिसको हमने यहाँ डायग्राम में दिखाया है ऐसे करके बड़ा करके दिस इज नोन एज स्पोलेक्स स्पोलेक्स। तो एक बात बताइए क्या पिछले ग्रुपों में जो भी पिछला ग्रुप गुजरा क्या उसमें सब जैसी कोई चीज थी? लेकिन इसमें देखने में तो लग रहा है ना कि हाँ सब जैसी कोई चीज है। इट इज नॉट हेड, ये क्लियर कर लीजिएगा इट इज नॉट हेड। मगर हेड जैसा तो है। तो ये पहला ऐसा ग्रुप है जिसमें सिफिलाइजेशन शुरू हो। सिफिलाइजेशन मतलब हेड हेड फॉर्मेशन। सिफिलाइजेशन कहा जाता है सिफिलिक शब्द का मतलब होता है हेड। यानी ये पहला ऐसा ग्रुप आ रहा है जिसमें हेड तो नहीं है लेकिन हेड जैसी कोई चीज विच इज नोन एज सिफ। इसके केस में स्पॉलेक्स कहा जाएगा टीबिया के। यहाँ पर भी देखिएगा हेड जैसी कोई चीज। अच्छा हेड को तो छोड़ दीजिए, मान लीजिए हेड नहीं तो भी आप इसकी बॉडी को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कौन सा आगे का भाग है कौन सा पीछे का भाग है, क्लियर हो सकता है। तो ये एक और एडवांसमेंट, एक और एडवांसमेंट। अच्छा कौन सा ऐसा पहला ग्रुप है जिसके अंदर नर्व सेल्फ पाया जाता है? नर्व सेल्फ पहला ऐसा ग्रुप जो पढ़ते आ रहे हैं या आगे पढ़ेंगे तो ऐसा कौन सा ग्रुप है जिसके अंदर नर्व सेल्फ पाया जाता है? इसमें मेरा क्वेश्चन ये नहीं है, मेरा क्वेश्चन ये है कौन सा ऐसा ग्रुप है जिसमें नर्व सेल यानी न्यूरॉन। हमने सीडेंट डेटा में क्या नर्व सेल पढ़ा है? नॉन पोलर न्यूरॉन पढ़ा है। उससे पहले हमने उसमें स्पंजर तो पढ़ा है, स्पंजर तो नहीं पढ़ा लेकिन जब हम हाइड्रा पे आए यानी सीडेंट डेट पे आए तो वहाँ पे हमने देखा कि उसके अंदर जो है वो एक नॉन पोलर न्यूरॉन पाया जाता है। न्यूरॉन इज नोन एज नर्व सेल। यानी अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि पहला ऐसा कौन सा ग्रुप है जिसके अंदर नर्व सेल पाया जाता है तो वहाँ पे आंसर होगा सीलेंट डेटा। लेकिन यहाँ तक आते आते अब इनका नर्वस सिस्टम पहले से बेहतर हो जाए। इनका जो नर्वस सिस्टम होगा वो लैडर लाइक होगा। इट कंसिस्ट ऑफ ए नर्व ब्रेन। उसमें बाहर आ जाए कि नर्व ब्रेन नहीं होगा लेकिन ब्रेन जैसा लगे इट विल नॉट बी ब्रेन। मगर इनका अगर आप देखेंगे जब नर्वस सिस्टम अभी आगे चल के देखा जाएगा तो इनके लिए ऐसा लगेगा जैसे ब्रेन जैसी कोई चीज, ऐसे ब्रेन जैसी कोई चीज। और उससे कुछ निकल के ऐसे पूरे बॉडी में रन करेगा नीचे लग जाएगा। दिस इज लॉन्गिट्यूडनल नर्व, ऐसे रन करेगा और वो ऊपर की तरफ और जगह जगह पे बीच बीच में ये आपस में कनेक्टेड होगा। जबकि हाइड्रा में जब हमने देखा था तो हाइड्रा में खाली और उसमें डिनोफोरा तो उसमें जो है नॉन पोलर खाली न्यूरॉन पाए जाते हैं ऐसे नॉन पोलर न्यूरॉन। इसके अलावा कुछ नहीं था। और ये न्यूरॉन जो है डिफ्यूज पैटर्न के थे, मतलब डिफ्यूज पैटर्न का मतलब बॉडी में हर जगह पाए जा रहे थे, सेंसेशन ग्रो हो रही थी उसको रिसीव कर रहे थे। मगर अब ये पहला ऑर्गेनिक ऐसा आ रहा है जिसका नर्वस सिस्टम थोड़ा सा एडवांस हुआ, ऑर्गेनाइज हमारी तरह नहीं है, ब्रेन नाम की कोई चीज़ नहीं है लेकिन देखने में लग रहा है कि हाँ चलो ये कुछ ब्रेन जैसा है, होता था वो ब्रेन जैसा होगा और इसीलिए नर्व्स निकल रही है आपस में कनेक्टेड भी। तो इनका नर्वस सिस्टम ऑर्गेनाइज पहला ऐसा ग्रुप हुआ। यानी कुल मिला जुला के अगर अब देखा जाए शॉर्ट में तो ये पिछले ग्रुपों से एडवांस इज एडवांस। अब हमको जो आज ग्रुप करना है एक प्लेटिक, मुझे लग रहा है आइडिया तो आपको लग गया होगा। ओके, आइए इससे पहले कि मैं प्लेटिक हेलमिंग्स शुरू करूँ सबसे पहले इसके लिए एक ऑर्गेनिक ग्रुप डिस्कस शॉर्ट और शॉर्ट। ओके, दिस इज द डायग्राम ऑफ पीनिया सोडियम।
ठीक है, वो ऐसा छोटा है, साइंटिफिक नेम में स्पीशीज नेम छोटे से लिखा जाता है, मैंने गलती से मेरा पढ़ा भी चुका, तो आपने पढ़ा भी होगा साइंटिफिक नेम्स कंसिस्ट ऑफ जीनस एंड स्पीशीज नेम, और स्पीशीज नेम इज ऑलवेज रिटन विद स्मॉल लेटर, स्टार्ट विद स्मॉल लेटर, ये सवाल ठीक है। बहरहाल इस ग्रुप में हैबिटेट की अगर बात किया जाए प्लैटी पेंगुइन्स में, तो ये दे आर मोस्टली पैरासाइटिक एंड एंडोपैरासाइटिक, सब आर फ्री लिविंग, जो फ्री लिविंग होंगे वो पानी में होंगे, और जो पैरासाइटिक होंगे वो किसी न किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर या हो सकता बाहर अंदर ये बीमारी पैदा कर रहे हैं लगकर। और जो साइंस की ब्रांच जिसमें उनकी बीमारियों को पढ़ा जाता है या ऐसे प्लैटिनम्स को पढ़ा जाता है जो बीमारी पैदा करते हैं, इट इज नोन एज क्या कहा जाता है, हर्मिटोलॉजी। हर्मिटोलॉजी द स्टडी ऑफ फ्लैट वर्म्स कॉजिंग इन्फेक्शन इन ह्यूमन। अच्छा, इसको फ्लैट वर्म क्यों कहते हैं, डॉर्सल वेंट्रली फ्लैटेड का क्या मतलब है, यू नो डॉर्सल साइड, यू नो डॉर्सल साइड एंड वेंट्रल साइड, डॉर्सल और वेंट्रल को अगर मिला दिया जाए, जैसे चप्पल रख के चढ़ जाए, जूता रख के चढ़ जाए, तो कोई भी चीज़ चिपटी हो जाए, उसी तरह से जो है इनका डॉर्सल और वेंट्रल सरफेस आपस में आके मिल गया, जैसे लग रहा है किसी को इसके ऊपर चढ़ गया, तो बिकॉज द बॉडी इज डॉर्सल वेंट्रली फ्लैटेड, सो दे आर कॉमनली नोन एज प्लैटिनम। और इनकी जो बॉडी है ये लीफ लाइक भी हो सकती है, इट कैन बी लीफ लाइक, जो मिला आप देखा गया था प्लैटिनम लीफ लाइक, और इट कैन बी रिबन लाइक, रिबन लाइक हमारा सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, ये ठीक है। जब लेयर अब ये ट्रिप्टोप्लास्टिक हो चुके हैं, ये पहले से एडवांस हो चुके हैं, इनके अंदर तीनों जर्म लेयर है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म, तीनों पाया जाता है, और सिमेट्री इनके अंदर अभी तक जो पहला ग्रुप था वो एसिमेट्रिकल था, सीनेट्रेटा वाला रेडियली सिमेट्रिकल था, कीनोफोरा रेडियली सिमेट्रिकल था, हाँ सम आर बाइलेटरल, और अब जो ग्रुप आ रहा है इट इज बाइलेटरल सिमेट्रिकल, इनको जो है एक ही ऐसी लाइन होगी जो इनको इक्वल हाफ में करा। ओके, तो आइए थोड़ा इसको देखते हैं, थोड़ा सा शॉर्ट में डिस्कस करते हैं। ये जो ऑर्गेनिज्म कीनियस हो गया, ये एंडो पैरासाइट, यानी पानी से बाहर आ चुका है लेकिन पानी को हम छोड़ नहीं पाया, तो हमारे बॉडी के अंदर पाया जाए, तो अब सोचिए हमारे इंटेस्टाइन में पाया जाए, इंटेस्टाइन में जाके वहाँ रहता है, अब वहाँ इंटेस्टाइन में इसको सबसे पहला काम करना है, इसको रोक के कहीं चलना फिरना तो है नहीं, क्योंकि इंटेस्टाइन में एक जगह पड़े रहना है, तो इसलिए इसके अंदर क्या लोकोमोटरी ऑर्गन्स होना चाहिए, नहीं, लोकोमोटरी ऑर्गन्स विल बी एब्सेंट। ओके, लोकोमोटरी ऑर्गन्स विल बी एब्सेंट, बट इनको कम से कम होस्ट की बॉडी से अटैच तो होना है, कुछ ऐसा होना चाहिए जो इनको होस्ट की बॉडी से चिपका दे, इसके लिए इसमें हुक्स एंड सकर्स पाए जाते हैं, हुक्स सकर्स या इस तरह से कुछ और भी स्ट्रक्चर्स हैं वो पाए जा सकते हैं, तो इस ग्रुप में हमको हुक देखने को मिलेगा, सकर देखने को मिलेगा, और ये पहला ऐसा ग्रुप होगा जिसमें सर जैसी कोई चीज़ आएगी, बाहर से देखने में लग रहा है सेगमेंटेशन है मगर ये एक्चुअल सेगमेंटेशन नहीं, तो यहाँ पे ये झूठा सेगमेंटेशन है, तो हम इसको कह सकते हैं या स्यूडो सेगमेंटेड, स्यूडो का मतलब फॉल्स सेगमेंटेशन है, ट्रू सेगमेंटेशन। अच्छा, अगर हम खास इसकी बात करें, ये हमारे बॉडी के अंदर रह रहा है और इसको आप देखने में लग रहा है कि तीन तीन सारे सेगमेंट्स हैं, और ये सेगमेंट्स आप बोले ट्रू ब्लॉडी, ये जो इसका हेड है स्कॉलेक्स, ये अपने स्कॉलेक्स से हमारे जो इंटेस्टाइन है उसकी दीवार में जाकर फंसा देता है, और फंसा के जो इसका भूख है वो उसमें फंस जाता है। अब चूंकि ये हमारे इंटेस्टाइन में है, तो इंटेस्टाइन में हमारे एंजाइम्स होंगी, बाइल जूस होगा, दुनिया भर की एंजाइम होंगी, जब वो खाने को गला सकती हैं, डाइजेस्ट कर सकती हैं, तो क्या इसको छोड़ देंगी, इसको भी तो डाइजेस्ट कर देना चाहिए, जब ये हमारे इंटेस्टाइन, तो ये क्यों नहीं डाइजेस्ट हो रहा, क्योंकि इसने अपने बचाव के लिए कुछ तो किया होगा, तो इसके बॉडी के ऊपर थिक लेयर ऑफ क्यूटिकल पाई जाएगी, जो पैरासाइटिक होंगे वो चूँकि हमारे बॉडी के अंदर है या किसी ऑर्गेनिक के बॉडी के अंदर है, तो उसको वहाँ पे अपने आप को बचाने के लिए उसके ऊपर एक क्यूटिकल की मोटी परत होगी जो उसको बचा रही होगी, यानी बॉडी वॉल के ऊपर एक परत होगी। ओके, तीसरी चीज़, अब चूँकि ये बॉडी के अंदर है, चिपका हुआ इसका हेड, कहा जाता है कि एक बार अपने इंटेस्टाइन से हेड को धक्का पकड़ लिया, अगर एक बार ये अटक गया इंटेस्टाइन तो ज़ख्म कर देता है, तो ज़ख्म करने के बाद फिर जो है लैट्रिन में खून आने लगता है, और ऐसे केस में अगर दवा दिया जाएगा तो दवा देने से मर जाएगा, लेकिन मरने के बाद भी इसलिए छूटेगा नहीं, बहुत
इसको वहाँ से निकालने के लिए ऑपरेट करना पड़ेगा, ऑपरेशन करके ही इसको निकाला जा सकता है। तो ख़तरनाक बॉलर मिला। तो अब वहाँ पे इसके सामने एक प्रॉब्लम है खाने पीने, इसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, क्या इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम होगा? होना चाहिए। देखिए ये हमारे इंटेस्टाइन में रह रहा, खाना हम खा रहे हैं, पचा हम रहे हैं, इसको तो पचा पचाया खाना मिल रहा है। जब खाना हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन तक पहुँचेगा तो वहाँ पहुँच करके फूड कैसा होगा? लगभग डाइजेस्ट हो चुका होगा। तो इसको क्या डाइजेस्टिव सिस्टम की ज़रूरत है? तो जनरली डाइजेस्टिव सिस्टम इज एब्सेंट। डाइजेस्टिव सिस्टम या तो एब्सेंट होगा या अगर पाया जाएगा तो रेड्यूस्ड होगा। इस केस में टीनिया फोलियम के केस में डाइजेस्टिव सिस्टम इज एब्सेंट, और डाइजेस्टिव सिस्टम की एब्सेंट है तो खाना कैसे खाएगा? डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं थ्रू जनरल बॉडी सर्फेस, एब्जॉर्प्शन थ्रू जनरल बॉडी सर्फेस, चूँकि इनका ये क्या नाम है, हमारे इंटेस्टाइन के अंदर पाए जा रहे हैं, वहाँ इनको पचा हुआ खाना मिल रहा, तो ये अपने बॉडी के सरफेस से खाने को एब्जॉर्ब करें, और चूँकि चिपटे हो चुके हैं तो इनका सरफेस एरिया भी बढ़ चुका है, चिपटे होने की वजह से कोई इनको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी एब्जॉर्ब करने की। अच्छा, इनका जो प्रोग्लॉटिस है, आइए जरा इस प्रोग्लॉटिस को देखते हैं थोड़ा सा, इससे रिप्रोडक्शन का भी आइडिया लग सकता है। तकरीबन 1200 के आसपास प्रोग्लॉटिस होते हैं। शुरू वाले जो प्रोग्लॉटिस होते हैं ये बिल्कुल इमेच्योर प्रोग्लॉटिस, शुरू यहाँ से लेके यहाँ तक मान लीजिए आप 1 से लेके 350 तक, दीज प्रोग्लॉटिस आर नोन एज इमेच्योर प्रोग्लॉटिस। इमेच्योर क्यों? क्योंकि जब आप इसको खोल के देखेंगे अंदर आपको कुछ नहीं मिलेगा, सॉलिड स्ट्रक्चर कुछ भी नहीं होगा, ना उसके अंदर कोई सेक्स ऑर्गन होंगे, ना उसके अंदर कोई सिस्टम होगा, ना उसके अंदर कोई ऑर्गन होगा, कुछ नहीं होगा। तो दीज प्रोग्लॉटिस आर नोन एज इमेच्योर प्रोग्लॉटिस। ये इधर से बनते जा रहे, इधर से बनते चले जा रहे, बढ़ता जा। अच्छा, फिर जब मान लीजिए आप 350 से लेकर के 750, फॉर एग्जाम्पल 350 से लेकर 750 तक अगर आप प्रोग्लॉटिस को देखिए, तो इसके अंदर आपको सेक्स ऑर्गन मिलेंगे जो डेवलप्ड होंगे, सेक्स ऑर्गन्स मिलेंगे जो डेवलप्ड होंगे, मेल सेक्स ऑर्गन एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन एक ही प्रोग्लॉटिस के अंदर होंगे, एक ही प्रोग्लॉटिस के अंदर, यानी अगर ये प्रोग्लॉटिस है तो इसी प्रोग्लॉटिस के अंदर मेल सेक्स ऑर्गन भी होगा, इसी के अंदर फीमेल सेक्स ऑर्गन भी होगा, यानी 350 से लेकर 750 तक जितने भी प्रोग्लॉटिस हैं सबके अंदर सेक्स ऑर्गन पाए जाते हैं, सेक्स ऑर्गन पाए जाते हैं, यानी इनका रिप्रोडक्टिव सिस्टम ठीक ठाक, सिस्टम तो नहीं कहेंगे लेकिन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इनके ठीक ठाक रिप्रोडक्शन। अच्छा, 750 के बाद जितने हैं, 750 से लेके तकरीबन 1200 से लेके एक रफ आइडिया 1200 अगर प्रोग्लॉटिस को देखा जाए, तो यहाँ पे जो सेक्स ऑर्गन थे, मेल सेक्स ऑर्गन ने स्पर्म प्रोड्यूस किया होगा, फीमेल सेक्स ऑर्गन ने एग या ओवम प्रोड्यूस किया होगा और फर्टिलाइजेशन हो गया होगा। तो अब जो बाद वाले प्रोग्लॉटिस होंगे इसके अंदर खाली अंडे भरे रहते हैं, जितने भी ये प्रोग्लॉटिस हैं इसके अंदर लास्ट वाले जितने उनके अंदर अंडे भरे हैं, एग्स, ये बिल्कुल मैच्योर हो चुके हैं, दे आर नोन एज ग्रेविड। इन प्रोग्लॉटिस को जिनके अंदर अंडे भरे हैं दे आर नोन एज ग्रेविड, और इधर से ये प्रोग्लॉटिस टूट टूट के निकलते रहते हैं, तो एक इक्विलिब्रियम बना रहता, उधर से बनता जा रहा है, इधर से निकलता जा रहा, तो ये टूट टूट के निकल रहा है, यानी इधर से प्रोग्लॉटिस बन रहे हैं, शुरू में प्रोग्लॉटिस मैच्योर है, उसके बाद इनके अंदर सेक्स ऑर्गन आ जा रहा है। तो ये बताइए बाइसेक्शुअल है कि जब सेक्स ऑर्गन एक ही ऑर्गन के अंदर है तो बाइसेक्शुअल। फर्टिलाइजेशन कैसा? इंटरनल फर्टिलाइजेशन। तो सेक्स ऑर्गन पाए जाएंगे 350 से 750 तक, दिस इज आर एवरेज, एक रफ आइडिया 750, और उसके बाद क्योंकि फर्टिलाइजेशन हो चुका होगा तो लास्ट वाले जो प्रोग्लॉटिस है ये प्रोग्लॉटिस इनके अंदर अंडे भरे होंगे, अंडे आर नोन एज ग्रेविड, और ये पीछे से टूट टूट के निकल रहा है, आगे से बढ़ रहा है टूट के निकल रहा, और जब ये ग्रेविड निकलते हैं तो ये फेसिस के साथ यानी लैटरिन के साथ ये बाहर जाएंगे, और अगर जो है कोई आदमी गंदगी बाहर मैदान में जाकर लैटरिन कर रहा है या लैटरिन को ऐसी जगह पर देख रहा है जहाँ पे इन्फेक्शन होने के चांसेस, तो लैटरिन चूँकि वो बायोडिग्रेडेबल है फेसिस, तो फेसिस तो डिग्रेड हो जाएगा, मगर ये ग्रेविड और मिट्टी में या प्लांट पे या जो घास है उस पर लगे रहेंगे,
कि अब कोई बच्चा अगर खेलता हुआ जाएगा और हाथ लग के लग गया और वो अगर हाथ नहीं धोएगा तो फिर वापस ये बॉडी में आ जाएगा, या कोई जानवर अगर है वो अगर वहाँ चल रहा है तो उसके अंदर जा सकते हैं। तो इस तरह से इनकी साइकिल जो है वो अपने होस्ट में अलग अलग होस्ट में ये कंप्लीट करते हैं। तो अब इससे हमको आइडिया क्या मिला, इससे अब अगर समराइज किया जाए तो एक बार इसमें से देखना हैबिटेट मोस्टली एंडोपैरासाइटिक बट सम आर फ्री लिविंग होस्ट। फ्री लिविंग का एग्जांपल, फ्री लिविंग का एग्जांपल प्लैनेरिया, प्लैनेरिया इज वेरी गुड एग्जांपल, ठीक है। फ्री लिविंग का एक एग्जांपल प्लैनेरिया एंड मोस्टली एंडोपैरासाइटिक। एंडोपैरासाइटिक का एग्जांपल सकते हैं लिवर फ्लू, वो किसका पैरासाइट है, शीप का, और ये हाँ हस्बेंड्स में भी है बट इट इज नोन एज पॉर्क टेप वर्म। इसका जो असली नाम है वो है पॉर्क टेप वर्म। पॉर्क किसे कहते हैं, पिग, हाँ। तो ये जो है पिग में भी पाया जाएगा, ह्यूमन में भी डाइजेस्टिव है। तो बॉडी इज डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेड, बॉडी चिपटी है, ये इनकी खासियत है, वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक। एंड लीफ लाइक, या तो बॉडी लीफ लाइक होगी, फॉर एग्जाम्पल प्लैनेरिया विच इज ऑल्सो नोन एज रुबेसिया, और रिबन लाइक, रिबन लाइक हमारे सामने सबसे अच्छा एग्जाम्पल टीनियस मीडियम का। तो दोनों तरह की बॉडी हो सकती है। जब लेयर ट्रिप्टोडास्टिक है तो एक्टोडर्म, मीसोडर्म, एंडोडर्म, ये इनका एडवांस है, पिछले रूप से ये बेहतर इस बॉडी। सिमेट्री इनके अंदर बाइलैटरली सिमेट्रिकल पाई जा रही, तो सिमेट्री में भी ये पिछले ग्रुपों से अच्छे हो गए। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी इनका पहले से बेहतर हो चुका है। सबसे पहला ग्रुप सेल्यूलर लेवल था, फिर टिश्यू लेवल आया, अब ये ऑर्गेन है, ऑर्गेन सिस्टम लेवल तक आ चुके हैं, तो ये भी एक बढ़ चुका। और लोकोमोटरी ऑर्गेन की इनको जरूरत ही नहीं है क्योंकि ज़्यादातर पैरासाइट है, तो लोकोमोटरी ऑर्गेन की जरूरत नहीं, सोते हैं लेफ्ट साइड। और इसमें सकस और हुक्स पाया जाए जो पैरासाइटिक फॉर्म होंगे, ये विल हैव सकस एंड हुक्स। हाँ, इस ग्रुप की एक और इम्पॉर्टेंट खासियत थी कि इसमें जो है सिफिलाइजेशन हेड फॉर्मेशन की शुरुआत कर रही है। हेड जैसी कुछ चीज नजर आ रहा है, ये इस ग्रुप का इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक। यहाँ पे हेड का भी शुरुआत हो रही, यहाँ पे मसल बनने की भी शुरुआत हो रही, इनका नर्वस सिस्टम भी बेहतर हो गया है पहले से, ये तीनों चीज की अच्छी। ओके, बॉडी प्लान प्लांट सेक्टर जनरली जिसके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम रिड्यूस होगा उनके अंदर भी एनस नहीं पाएगा, तो बॉडी प्लान जो होगा इनका दैट विल बी ब्लाइंड सैक ऑफ प्लांट, माउथ इज प्रेजेंट एंड एनस इज एब्सेंट। अब जरा बॉडी वॉल को देखा जाए, बॉडी वॉल इज एनक्लोज बाय एपिडर्मिस। इनकी बॉडी वॉल पहले वर्ग से अच्छी है क्योंकि इनकी बॉडी वॉल में मसल्स पाए जाए, दे विल हैव मसल। एपिडर्मिस के ठीक नीचे सर्कुलर मसल, उसके नीचे लॉन्गिट्यूडनल मसल और ऑब्लिक मसल भी पाए जाए। तो ये पहला ग्रुप है जिसके अंदर मसल आ रहा है, जबकि हाइड्रा में यानी सीलेट क्रेटा में मसल तो नहीं थे, मगर मसल जैसे सेल थे विच आर नोन एज एपिथेलियो मस्कुलर सेल जो बाहर में, एंडोथेलियो मस्कुलर सेल जो अंदर में। तो एक्टोडर्म में और गैस्ट्रोडर्म में दोनों में अलग अलग हैं, मगर दोनों मसल की तरह बिहेव कर रहे हैं तो वो सेल है, लेकिन ये पहला ग्रुप आएगा जिसके अंदर मसल्स होंगे और ये मसल्स मीजोडर्म में, मसल्स आर मीजोडर्म वाली जो। तो बॉडी वॉल एनक्लोज्ड बाय एपिडर्मिस और बाय फॉर्म टेगमेंट। व्हाट इज टेगमेंट, क्यूटिकल की बनी हुई है, तो टेगमेंट किस में पाई जाएगी, जो पैरासाइटिक फॉर्म होंगे एंडोपैरासाइट्स जो किसी दूसरे की बॉडी के अंदर रह रहे होंगे उसको एक क्यूटिकल चाहिए, टेगमेंट चाहिए ताकि वो बचाव कर सके। इसलिए इनका जो एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस के ऊपर टेगमेंट उनमें पाया जाएगा तो पैरासाइटिक फॉर्म, और जो नॉन पैरासाइटिक फॉर्म हमको टेगमेंट की जरूरत है तो पत्ती की पर काफ़ी है। बिलो द एपिडर्मिस सर्कुलर लॉन्गिट्यूडनल एंड ऑब्लिक मसल फाइबर्स आते हैं। तो अगर आप इसकी बॉडी वॉल को देखिएगा तो बॉडी वॉल में आपको सबसे ऊपर एपिडर्मिस मिलेगी, एपिडर्मिस, और एपिडर्मिस के नीचे दिस इज एपिडर्मिस, मान लेते हैं ये एपिडर्मिस है, तो एपिडर्मिस के नीचे यहाँ पे क्योंकि इसको वो भी सेक्रेट करना है क्यूटिकल, तो क्यूटिकल को सेक्रेट करने वाले सेल भी यहाँ आपको नजर आएंगे, दीज आर द सेल्स विच सेक्रेट क्यूटिकल। ये है वो सेल्स जो बाहर की तरफ क्यूटिकल सेक्रेट कर रहे हैं, अगर ये पैरासाइटिक फॉर्म होगा तो क्यूटिकल ज्यादा सेक्रेट होगा, ये न्यूक्लियस क्यूटिकल सेक्रेटिंग सेल या टेगमेंट सेक्रेटिंग सेल।
तो ये पाया जाएगा ऊपर वाली परत एपिडर्मिस का। एपिडर्मिस के नीचे सबसे पहले सर्कुलर मसल, ये सर्कुलर मसल की एक लाइन होगी और उसके नीचे लॉन्गिट्यूडनल मसल। अगली लाइन लॉन्गिट्यूडनल मसल के साथ में ये ऑब्लिक मसल भी पाया जाता। सो दीज आर मसल, दिस इज सर्कुलर मसल, दिस इज लॉन्गिट्यूडनल मसल और ऊपर एपिडर्मिस है और ये क्यूटिकल सेक्रेट करने वाले मसल। ऐसी थी बॉडी वॉल, जबकि पिछले ग्रुपों में किसी में भी इतनी बढ़िया बॉडी वॉल नहीं थी और इसका मतलब इनकी बॉडी वॉल एडवांस। अच्छा आप एक चीज देखिए, मैं यहाँ सर्कुलर मसल को लंबा लंबा बना रहा हूँ और लॉन्गिट्यूडनल को गोल बना दे रहा हूँ। एक्चुअली जब हम इसको काटेंगे तो काटने पर जो सर्कुलर मसल होगी वो हमको लंबी लंबी दिखाई देगी और जो लॉन्गिट्यूडनल मसल होगी वो हमको गोल मिलेगी, तो उससे हमको बहुत ज़्यादा मतलब भी नहीं है बट मसल साफ होगी। ये एक अच्छी बात, इस ग्रुप की एक अच्छी बात। ओके सीरो अभी भी नहीं आया, सीरो हमको कब मिलेगा? मीजो का तो आ गई ये ग्रुप जो है प्लेटी हेल्पिंग, क्या इसके अंदर सीरोम है? नहीं इसके अंदर सीरोम नहीं है, मीजो का भाई सीरोम नहीं है। हमने देखा पूरी बॉडी को ठोस दिखाई दे रही है, कोई कैविटी थी इसके अंदर या तो अंडे भरे हैं या सेक्स ऑर्गन भरे हैं या सॉलिड है, तो कहीं कोई कैविटी है ही नहीं ऐसी कि सीरोम कहा जाए। तो सीरोमीटर से यानी ये सीरोमीटर है अभी। डाइजेस्टिव सिस्टम इज इनकम्प्लीट और एब्सेंट इन सम, जो भी पैरासाइटिक फॉर्म हम सब में ज़्यादातर केस में एब्सेंट होंगे वरना इनकम्प्लीट है और रेड्यूस भी होगा। रेड्यूस का मतलब बहुत डेवलप नहीं है। ये स्केलेटल सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम है एब्सेंट, ये सब सिस्टम है। हाँ इनका नर्वस सिस्टम पहले से बेहतर, नर्वस सिस्टम स्पॉन्जेस में कुछ नहीं था, नर्वस सिस्टम के नाम पे ब्लैंक जीरो, लेकिन जब सीलेंट डेटा पे गए नर्वस सिस्टम के नाम पे डिफ्यूज नर्वस सिस्टम जिसमें नर्व सेल डिफ्यूज थे नॉन पोलर हीरेडिया में गए तो नहीं हीरेडिया गए वो टीरोफोरा, तो टीरोफोरा में भी डिफ्यूज नर्वस सिस्टम था, नर्व सेल बिखरे हुए और नॉन पोलर। लेकिन जब इस ग्रुप में आए तो यहाँ का नर्वस सिस्टम बेहतर, पहले बहुत एडवांस नहीं कहेंगे लेकिन इट इज़ बेटर। तो इसके अंदर जो है लॉन्गिट्यूडनल फाइबर्स होंगे मसल के जो आपस में कमजोरी से कनेक्टेड हुए, इनका जो नर्वस सिस्टम होगा वो लैडर लाइक फॉर्म बना, देखने में लगेगा लैडर सी। तो ये भी पूछा जाता है लैडर लाइक नर्वस सिस्टम किस में पाया जाता है, तो लैडर लाइक नर्वस सिस्टम इस ग्रुप में पाया जाता है। इट कंसिस्ट ऑफ नर्व रिंग एंड लॉन्गिट्यूडनल नर्व कॉर्ड, बस एक आइडिया रखिए हाँ ये चीज़ होती है। तो रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन भी हमने देखा बाइसेक्सुअल है, सेक्स ऑर्गन एक ही को पाया जा रहा है और कॉम्प्लेक्स भी है इनका वेल डेवलप्ड है क्योंकि सेक्स ऑर्गन इनके ठीक ठाक है। फर्टिलाइजेशन इज इनडायरेक्ट, उसमें बहुत ढेर सारे लार्वा होते हैं, फिर एसिडी लार्वा, सेस्टोडा लार्वा, कई तरह के लार्वा वो बनते हैं। तो इसके जो भी लार्वल फॉर्म है फिर वो लार्वल फॉर्म एक के बाद एक चेंज होते हैं, जैसे प्लेनेरिया होता है एक लार्वा बना फिर एसिडी बना फिर वो सेस्टोडा में चेंज हुआ फिर तीसरा बना चौथा बना फिर तेरा टोटा बना चेंज होते होते तब लास्ट में मॉडल बनता है। तो यानी इस कुल मिला के फर्टिलाइजेशन इज इनडायरेक्ट। हाँ इस ग्रुप में जो है एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन, इसके लिए एक खास चीज़ आती है जो पिछले ग्रुपों में नहीं थी। इसके अंदर ज्वाला कोशिकाएं पाई जाती है, ज्वाला कोशिकाएं विचार ऑप्शन है और ये जो है इस ग्रुप का एक और एडवांस जो इसको पिछले ग्रुपों से बेहतर बना। तो ओवरऑल मिला के ये इस ग्रुप की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। और अब अगर मान लीजिए इस ग्रुप को हमको ग्रुप में बांटना हो तो इसको जो है हम क्लासरूम में देखेंगे तो इसमें तीन क्लास होंगे। एक क्लास ऐसा होगा जिसके अंदर टोटल फ्री लिविंग, बिल्कुल फ्री लिविंग एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म। एक ग्रुप ऐसा मिलेगा, क्लास ऐसा मिलेगा जो फ्रेश वाटर में, अरे एंडोपैरासाइट भी हैं और थोड़े बहुत नहीं एंडोपैरासाइट, और तीसरा ग्रुप भी ऐसा मिलेगा जो एंडोपैरासाइट होंगे मगर बॉडी फॉर्म में थोड़ा सा परिवर्तन। क्लासिफिकेशन आज हम नहीं करेंगे, क्लासिफिकेशन को नेक्स्ट टाइम फिक्स करेंगे। ओके और किसी का कोई सवाल?